वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप योर एप्सलाइट। तो दोस्तों, आज जो वीडियो बनेगी वो ओटी को फ्यूमिगेट करते कैसे हैं, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो ये ओटी है, ये एक नीरो का ओटी है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही इस पे काफी नीरो और आर्थो का जो भी केस होता है वो एक ही ओटी में होता है। तो फिलहाल में मैं बता दूं कि ये ओटी का केस खत्म हो जाता है, तो हमको वीक में एक बार जरूर हमको फ्यूमिगेट कर देना चाहिए। अब बाकी यदि आपके यहाँ ओटी अगर कम हो रहे हो, तो ये तो अगर जिस दिन ओटी खत्म होता है नेक्स्ट डे या फिर रात में अगर आप ड्यूटी होती है तो रात में भी आप फ्यूमिगेट ओटी को कर सकते हैं। तो करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या उसमें कौन से केमिकल होते हैं जो कि हमको ओटी को फ्यूमिगेट करते हैं और क्यों करते हैं, तो मैं बता दूं फ्यूमिगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ओटी होने के बाद बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे इस इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं, जो कि अदर नेक्स्ट टाइम जब भी कोई सर्जरी होता है उस टाइम क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि वो इन्फेक्शन पेशेंट को होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से हमको किल करने के लिए जो भी बैक्टीरिया हो उस इन्वायरमेंट में ना हो, इस वजह से हमें फ्यूमिगेट करते हैं। तो फिलहाल मैं अभी मैं फ्यूमिगेट करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ कि कैसे किया जाता है कैसे नहीं। बहुत यूजफुल वीडियो आपको होगा, तो लेट्स गो वीडियो। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक तुरंत अभी जाकर करें। तो दोस्तों, अभी ये देख रहे हैं हमारे सामने ये ग्रीन शीट मैं ला के रख दिया हूँ। ये ग्रीन शीट से करने वाला क्या हूँ, जितने भी ये मशीन है जो सियाम मशीन, अगर इसके ये मशीन जो आप देख रहे हैं इसके बारे में मैंने पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूँ। बाकी आप ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं कि ये मशीन वर्क कैसे करता है, इस मशीन का काम क्या है, तो उस पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि ये जो ग्रीन शीट देख रहे हैं मैं इससे पूरे कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर एक नीचे साथ में ये आप देख रख रहे हैं, ये एक जाली नुमा है बना हुआ है जिसमें कि फ्यूमिगेट होता है, तो एक पानी की फव्वारा टाइप का ये पूरे एरिया में फैल जाता है, जो कि इस मशीन के अंदर जाकर मशीन को डैमेज भी कर सकता है। इसको बचाने के लिए मैं ये ग्रीन शीट लाया हूँ जिससे कि मैं पूरा कवर कर दूंगा। ये मशीन हो गया आपका, ये सेक्शन मशीन होता है। सेक्शन मशीन का क्या काम होता है, जो भी ब्लड हो गया, फ्लूड हो गया या एनस हो गया, वो सारा कुछ सक करने के लिए, मतलब वो खींचने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। इसको भी मैं कवर करने वाला हूँ। ये साथ में एक वेंटिलेशन मशीन है, इसको भी मैं कवर करूंगा क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे कई छोटे छोटे ऐसे छिद्र बने हुए हैं जिसमें कि ये मशीन के अंदर जाके ड्रॉपलेट जो वाटर होते हैं वो इन्फेक्ट कर सकता है इस मशीन को। तो इससे बचाने के लिए मैं इस मशीन को भी पूरी तरह से कवर करने वाला हूँ। साथ में कवर करूंगा ये मनमन मशीन। ये मनमन मशीन जो होता क्या है, इसका यूज क्या है, ये मैं एक शॉर्ट में बता दूं। ये इस मशीन के थ्रू जब भी कोई क्रेनियोटॉमी सर्जरी होती है उस टाइम इस मनमन का यूज करते हैं। तो ये सब मशीनें हैं, इसको मैं कवर करता हूं। अभी मैंने पूरी तरह से मैंने कवर कर रखा है जो कि आप पीछे देख रहे हैं, और ये मशीन पूरी तरह से कवर हो गया। अब मैं मशीन लाने वाला हूँ। अब उस मशीन को आप उसमें क्या केमिकल डालते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ, साथ कितने देर चलाते हैं तो वो मैं बता दूँ। उसको 45 मिनट तक फ्यूमिगेट मशीन को ऑन रखना होता है, जिससे कि 45 मिनट में ये पूरी तरह से ये बैक्टीरिया किल कर देगा और साथ में ये फ्यूमिगेट हो जाता है, जिसमें कि हमको फिर इसके बाद इसको बंद करके रखना होता है 24 आवर तक। मतलब जितने बजे आप चालू करते हैं अगले दिन 24 घंटे तक पूरे बंद होने चाहिए, 24 घंटे के बाद आप खोलेंगे, जिससे कि ये पूरी तरह से ये फ्यूमिगेट कंप्लीट साइकिल हो जाता है। तो फिलहाल में चलते हैं और दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये आप मशीन जो देख रहे हैं अभी मैंने इसको खोल के रख दिया हूँ, क्योंकि इसमें चेक करना होता है पानी का लेवल कि कितना पानी है। फिलहाल में इसमें पानी जो है कम है, तो इसमें मैं पानी डालूंगा। मैं इसमें जो केमिकल डालने लूंगा वो केमिकल है एल्डिसाइड केमिकल, जो कि एंटीसेप्टिक एंटी इन्फेक्शन सोल्यूशन है। इस एल्डिसाइड जो सोल्यूशन होता है वो पानी में कैसे मिलाते हैं, तो वो मैं बता दूँ। 3:1 का मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 ml का अगर वाटर लिए हैं, 30 ml आप केमिकल डालना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग आपको उसको सोल्यूशन को मिलाने के बाद इसको हम इसी से पूरे ओटी को फ्यूमिगेट करने वाले हैं, तो में इस केमिकल का यूज कर सकते हैं। फिलहाल में चलते हैं, इसमें पानी भरते हैं और केमिकल डालेंगे, इसमें डालने के बाद और इसको फ्यूमिगेट करते हैं। अभी मैंने इसमें पूरे तरह से केमिकल और वाटर को मिक्स कर लिया हूँ,
जो आप ऊपर से आप देख भी रहे हैं झाग बना हुआ है। फिलहाल में इसको हम फिट करते हैं। केमिकल हमने पूरा तरह से रेडी कर लिया हूँ, आपने देखा भी, जिसमें कि एल्डिसाइड और थोड़ा सा मात्रा में मैंने फॉर्मिनिल मिलाया हूँ, जिससे कि और अच्छे तरह से ये पूरे ओटी को फ्यूमिगेट कर सकूँ। तो अभी मैंने पूरे रेडी करके, आप ये पीछे देख रहे हैं मेरे, अभी मैं जाने वाला स्टार्ट करने इसको लगा रखा है, वो आप पीछे देख रहे हैं। मैंने अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, 45 मिनट तक ये स्टार्ट होने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, अभी खुलने लगा है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने पूरी वीडियो को देखा, तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। साथ में मेरे इंस्टाग्राम पर, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर जाकर जुड़े, वहां पर भी फॉलो कर लें, और वहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपसे अगर बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं मेरे नंबर से, तो आप वहां पर जरूर जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।